तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के जो फिजिकल स्टार्ट होने वाले उनके बारे में अब मैं रिव्यू दे रहा हूँ, जो मेरा 21 जनवरी 2021 को जो फिजिकल लगा है, मैंने क्या सावधानी रखी, वहाँ क्या मांगा है क्या नहीं मांगा, आप स्टेप टू स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप एक एक चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना और कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट कर देना और आपके दोस्तों से पूछ लेना कि यही चीज़ें वहाँ एक ही सेंटर है। आपको सेंटर का नाम तो आपको पता ही है, मैं वैसे एक बार बता देता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग एथलेटिक एक्वाडिक PTAA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अपोजिट न्यू ट्रेनिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स NTSC बार कॉलोनी अनुशक्ति नगर मुंबई 4094 इसके वो है पिन कोड। पर इससे अपन को कोई लेना दे, सबका सेम है, एक ही ग्राउंड है, बस मुंबई में इसी जगह सबके फिजिकल लग रहे। ये तो हो गया वो, तो आपको इस वो मैं शुरुआत से बता देता हूँ कि कैसे एंट्री क्या करना है। देख शुरुआत में आप 5:30 से 7 बजे तक एंट्री टाइम है, 7:30 तक वो आपको ले लेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ टाइम से पहुँचें, आप जहाँ से भी आ रहे हो थोड़ा जल्दी करें। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं प्रोसेस पूरी बताऊँगा, तो वीडियो आप देख लेना, चाहे स्पीड में चला के देखना पर वीडियो पूरा देखना। मैंने वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल मैं नहीं बना पाया उसके लिए सॉरी, मैं आज बना रहा हूँ। तो आप शुरुआत मैंने फर्स्ट बता दिया, टाइमिंग 5:30 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 7:30 तक चलेगी, पर आप 7 बजे पहुँच जाना। उसके बाद जाना तो ज़रूर, पर हाँ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मुझे पता नहीं है कितने बजे तक लेते हैं, पर मैं वहाँ 6:30 से पहले मैंने एंट्री ले ली थी, ठीक है। दूसरी बात, आपको जब गेट पे तो वहाँ अपना एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड ID के साथ आपको जो मेन गेट है वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है, तो वहाँ ये दिखाना पड़ेगा, तब आपकी एंट्री अंदर होगी, ठीक है। वहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि आपको बड़े वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे कि ये पता नहीं क्या क्या है, तो मैं जल्दी थोड़ा स्पीड में बताऊँगा सारी चीज़ें। तो वहाँ जाके आपको 1.5 किलोमीटर उसके अंदर चलना है पैदल, और फिर वहाँ जाके आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको ऐसे अंदर ये चीज़ें बताई जाएगी कि आपका कब वो होगा, आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और एक आधार कार्ड। तो वहाँ एक दूसरा गेट है जहाँ आप कॉम्प्लेक्स में जहाँ ये ग्राउंड है वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक गेट है, तो वहाँ से अपन को एक तो एडमिट कार्ड और एक अपने पास आधार कार्ड वहाँ दिखाया। वहाँ एक काउंटर है, मतलब पर्दा लगा के और वहाँ काउंटर बना रखा है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो उसको आगे भेज दिया जाता है। अंदर क्या है, 10 बूथ बने हुए हैं, मतलब 10 टेंट की तरीके से टेंट लगा रखे हैं, 10-10, तो वहाँ पे 10 हैं टोटल। तो आपको रोल नंबर बाहर एक बोर्ड लग रहा है उस पर आप अपना रोल नंबर देख जाएँ। एक बूथ पे 300 लोग हैं, मतलब 300 एक बूथ पे लेते हैं, किसी पे कम भी हैं, तो टोटल मेरे अकॉर्डिंग 1500 एक दिन के बुला रहे हैं। अब उसमें से मेरे उसमें 250 या 200 के लगभग आए थे उस दिन। 10 बूथ है, आपको अपने बूथ पे जाना है रोल नंबर चेक करके। आपको वहाँ बूथ पे जाएंगे, आप अपना एडमिट कार्ड, आपका नाम बोलेंगे कि ये नाम का बंदा आए, और वो आप वहाँ जाना और अपना क्या बोलते हैं एक आधार कार्ड लेके जाना, एक फ़ोटो लेके चल जाना उनके पास, और वो अगर ID बोले तो ID, मतलब बैग लेके जाना है। आपको बैग कहीं नहीं छोड़ना, अपना बैग अंदर लेके जाना है, साथ में बैग रहेगा हर वक्त। तो ये ले लिए, आपको वहाँ से क्या है, आपके चेस्ट नंबर के लिए वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स सिर्फ क्या चेक होगा, एडमिट कार्ड चेक होगा और एक आधार कार्ड, ये दोनों चेक किए, फिर आपको एक मैम वहाँ दूसरी जगह जहाँ चेस्ट नंबर, आपको पता है चेस्ट नंबर, जैसे मेरे 805 थे, तो ऐसे चेस्ट नंबर हर के अलग अलग चेस्ट नंबर होंगे, तो आप चेस्ट नंबर मिलेंगे जहाँ आप दूसरे जहाँ पे एक काउंटर और बना होगा साइड में ही, कपड़े चेंज करने के लिए अलग से वो है टेंट लग रहे हैं उसमें, वहाँ से वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था है, अगर आप फ्रेश होना चाहें तो वो भी वहाँ व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है, ले गए 25 टोटल एक साथ रनिंग करवाते, 25 बंदे इकट्ठे हो गए, जिसका चेस्ट वेस्ट कंप्लीट बांध के रेडी रख लिया, तो वहाँ पे 25 लड़के हो गए कंप्लीट, तो उसको मैदान में ले आते हैं। मैदान की खासियत बता देता हूँ मैं, आराम से सुनना, उसमें धूप लग रही है, सारा ग्राउंड ग्रीन है,
कोई सड़क नहीं है, आप पैदल भागो तो पैदल भाग सकते हो, जूतों से अगर आपको रनिंग करनी है जूतों से भी कर सकते हो, मैंने जूतों से की थी, मुझे जूतों की आदत है। तो पैदल, जो भाई पैदल आज तक उसने प्रैक्टिस पैदल की हो तो वो पैदल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वही ग्राउंड के बाद आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखा ग्राउंड है और आराम से चल सकते हो, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको रनिंग। और ग्राउंड की एक चक्कर 400 मीटर का है, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे वहाँ पे, बहुत मैम लोग और सर लोग वहाँ पे बड़े ऑफिसर रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको टाइम कम दे दिया ज़्यादा दे दिया, फिक्स टाइम देंगे, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा कि आपको इसके चार चक्कर लगाने हैं, एक चक्कर 400 मीटर का है। और एक और बात, जब लास्ट का आपका चक्कर रहेगा और तो आपको जब क्या बोलते हैं 6 मिनट 15 सेकंड हो जाएगी, उसके बाद उल्टी काउंट डाउन हो जाएगी, जैसे 15, 14, 13, 12, 11, तो ऐसे काउंट डाउन होकर 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर रस्सी खींच लेते हैं, वो जो पास हुआ है उसको साइड पर बैठा देते हैं, जो पास नहीं हुआ उसको अपना बैग के पास बैठा देते हैं। उसके बाद दूसरा, फर्स्ट रनिंग हो गई, अब दूसरे स्टेप पर आ जाए, दूसरा क्या होता है, आपको 20 मिनट का आराम दिया जाएगा कि आप अपना बैग संभालो, पानी पी लो, ग्लूकोज वगैरह ये सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा अलेवल है वहाँ पे, अपना ले जाने की जरूरत नहीं, वैसे ले जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सिटअप्स, सिटअप्स मैं बता देता हूँ, सिटअप्स की अभी मैं कल वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं आपको प्रूफली ऐसे बोल के बता रहा हूँ, कल मैं देख के भी क्या मिस्टेक है, वैसे आपको 2-3 बात बता देता हूँ मैं। देखो ये उंगली ऐसे, आपको हाथ दिख रहा होगा मेरा, ये ऐसे फंसानी है, मेरी वीडियो उनमें मैंने ऐसा नहीं किया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था, पर जो ऐसे लगा सकता है वो ऐसे, ये कर लिया, अब ऐसे ये रख लिया, ऐसे ये रख लिया, अब 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा आना है, बिल्कुल नीचे जाना है, ये मैं कल वीडियो सुबह मिलेगी आपको ये वीडियो बिल्कुल। और पैर नहीं उठने चाहिए, बीच से पैर नहीं उठने चाहिए, ये मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये बता देता हूँ मैं कि आपको 25 सिटअप्स लगानी है, ठीक है, 25 सिटअप्स लगानी है, अगर आप 30 से कम एज के हो तो ये और उठना नीचे पैर। एक खासियत है वहाँ, हर आदमी के आगे, मतलब आपको 10 लोगों को एक साथ सेटअप लगवाएंगे तो आपके सामने 10 लोग खड़े कर दिए जाएंगे कि चलो लगाओ, आप कितनी भी तेज़ लगा सकते हो, कितनी भी स्लो लगा सकते हो, पर एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी, जैसे आप धीरे ऐसे लगा रहे हो तो वो लगाते रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 10 मिनट 10 सेकंड वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूटी के साथ चलो, 2-3 सेकंड का ब्रेक ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात, आपको 25 लगानी है, आपके सामने हर एक सामने एक कैंडिडेट होगा, वो आपका गिनती जाएगा, आप कितनी तेज़ लगाओगे वो आपका गिन लेगा, सर लोग रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे कि इसने इतनी लगाई है, 25 मिनिमम, आगे जो आपकी मर्जी जो आप लगा सकते हो, मैं तो कहता हूँ 30 तक लगा देना, लगाओ तो इससे ज़्यादा मत जाना, शरीर को क्यों थकाओ, ठीक है। ये हो गई पहली, 2 स्टेप हो गई, सिटअप्स, रनिंग। थर्ड पे आ जाओ, चिनअप्स, 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, आपके सामने 4 पोल रखे रहेंगे, एक साथ 4 लड़के, जो आपको कंफर्टेबल लगे कि इसकी हाइट मेरे से ठीक है, अब मेरी हाइट तो कम थी तो मैं छोटे वाले पोल पे गया, आप चाहे तो ऐसे पकड़ लो उसको, चाहे आप ऐसे पकड़ लो, ये बात है, आप ये ठोड़ी, अपनी ठोड़ी उसके जो पोल के ऊपर जानी चाहिए और बिल्कुल हाथ स्ट्रेट हो जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाने चाहिए और बिल्कुल भी नीचे आना चाहिए। मैं कल इसका वीडियो इसका भी बनाऊंगा और बोल बोल के अच्छे से वो भी बताऊंगा, अभी यहाँ मैं बैठा हूँ कमरे में, मैं आपको बस प्रूफली दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है, 8 मिनिमम है, एक्स्ट्रा आपकी मर्जी। मैंने बता देता हूँ, मैंने 29 सिटअप्स लगाई थी, मेरी रनिंग का भी बता देता हूँ, मेरी रनिंग हो गई थी 6 मिनट और 10 सेकंड में, ठीक है। फिर चिनअप्स के आ जाते हैं, 8 लगानी है, मैंने 10-11 लगाई थी पर मेरी 10 काउंट की थी, उन्होंने 10 लिखते हैं, वो ऐसे नहीं कि 8 ही लिखेंगे, वहाँ 10 जितनी लगाई है उतनी लिखते हैं, ठीक है। ये हुई सिटअप्स की बात, हाथ मैंने बता दी, मैं सुबह वीडियो बनाऊंगा, मैंने बोल दिया सुबह, आपको बिल्कुल इसमें कमेंट कर देना कि और क्या प्रॉब्लम है, मैं वैसे आपको लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल ही। तो ये हो गई सिटअप, ये चिनअप्स की बात हो गई, चिनअप्स हो गया, और फिर आ जाए लॉन्ग जंप, ये कौन सा होता है अपना चौथा, रनिंग, सिटअप, चिनअप्स और क्या बोलते हैं वो लंबी कूद, ठीक है, लॉन्ग जंप, वहाँ आपको इंच इंच में नापेंगे वो, तो आपको इंच को तो आपको पता ही है कि मैं बता देता हूँ एक बार, तो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर, अब मैंने कूदा था 4.25, मैं कूदा था, मेरे पैर में मोच आ रही है फिर भी
इतना सिंपल ही है। आप अगर थोड़ी भी आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। ये हो गई, उसके बाद तीन चांस मिलेंगे आपको, तो तीन चांस तक जाना मत, कोशिश ये करना कि फर्स्ट में और आराम से। वो कैप बिल्कुल बजरी वाला है तो आपके लगने से तो बिल्कुल रही, आपके चोट नहीं आएगी बिल्कुल। ये हो गया चौथा। पांचवें नंबर का काम है, आपको दूसरी जगह ले जाएंगे थोड़ी सी साइड में, वहाँ पे सबसे पहले वो हाइट नापेंगे। हाइट दो मेजरमेंट है और आपको अच्छे से नापेंगे, और फिर चेस्ट, ठीक है। अब चेस्ट हाइट, हाइट वैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जनरल के लिए 167 और सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 162.5 मीटर, ठीक है। और फीमेल का वैसे लग चुका है पर फिर भी बता देता हूँ, 170 जनरल का है और 154 सॉरी वो उसका है एसटी का। तो ये हो गया हाइट, वो लिखते रहते हैं। और फिर क्या आता है, नंबर आता है चेस्ट का। चेस्ट आपको नॉर्मल रखना है और कुछ नहीं करना, बस मेरा तो काफ़ी था, मेरा तो 86 था, नॉर्मल 86 था, 91 मैंने फुलाया। कुछ नहीं करना, बस ऐसे खड़े हो जाना है, पांच फूल जाएगा, कोई नहीं निकलता हाइट और चेस्ट में, कोई नहीं निकला था वहाँ पे नॉर्मली में, ये बता देता हूँ मैं। ये हो गया, तो आपको वैसे नॉर्मल सारी चीज़ें हो गई। आप इसी वीडियो में, मैं हालांकि डॉक्यूमेंट्स आप बोलो तो अलग से वीडियो बना दूं, पर शायद मैं इसी में बना दूं एक वीडियो प्रूफ है तो ठीक रहेगा। ये काम हो गए फिजिकल के सारे। फिर डॉक्यूमेंट्स का आ जाते हैं, 1x1 आप डॉक्यूमेंट्स याद रखना। आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड, ये मेरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड है क्योंकि यहाँ पे ये सील लग रहे, इसको फेंकना मत। आप दो निकला के ले जाना, हर चीज़ आपके पास दो लेके जाना। ये ओरिजिनल है, मुझे से बोला कि इसको रखना तुम्हें एग्जाम के वहाँ ये काम आएगा, तो ये मेरा ओरिजिनल है, मेरे पास रखा है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा भी था तो ये भी है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा, आपके पास अपना फॉर्म होना चाहिए, जो आपने रिटर्न में भरा था वो आपके पास फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी बताऊँगा, फॉर्म आपके पास फर्स्ट कितना हो गया, 1 एडमिट कार्ड, दूसरा फॉर्म जो आपने फिल किया था उस टाइम फॉर्म। अगर आप कैटेगरी से हो तो आपके पास इस टाइप का, मैं फोटोकॉपी नहीं आपको ओरिजिनली दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास कैटेगरी का, ये कैटेगरी का, ठीक है, ये कैटेगरी का आपके पास वो होता है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, एसटी एससी ओबीसी वालों के पास होता है, जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस का होता है, तो वो लेके जाना है आपको, ठीक है, अगर छूट वगैरह चाहिए तो। ये हो गया। और दूसरी बात, आपके पास सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, 10वीं मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये 10th की मार्कशीट हो गई, मैं जल्दी करूँगा। उसके पास आपके पास अगर उस टाइम सर्टिफिकेट आता था तो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट हो गया। ये 12वीं क्लास की मार्कशीट है, 12वीं मतलब 12th की मार्कशीट चाहिए, तो ये दूसरे नंबर का मतलब चौथा वो हो गया अपने पास, क्योंकि एडमिट कार्ड, फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, बीए की मार्कशीट, अगर आपने और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो मैंने कर रखी है, तो मेरे पास दूसरी एमए की मार्कशीट, ठीक है। ये हो गई मार्कशीट। अब और कुछ आप कर रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर देना, ये आपको फ़ायदा ही करेगा कभी ना कभी। ये डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़े जल्दी में वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप देखना इसको। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना फॉर्म जो आपने भर के लिए गए थे वो वाला भरा था उस टाइम, 10वीं मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12वीं मार्कशीट अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वो, वैसे होगा नहीं तो होगा तो लेके जाना, बीए की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, एमए की मार्कशीट, ठीक है। ऊपर से अगर आप कैटेगरी से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और आप सबको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, फोटोकॉपी वो रखेंगे, ओरिजिनल आपके देखेंगे, ध्यान रखो, फोटोकॉपी वो रखेंगे, ओरिजिनल आपको देखेंगे, मोबाइल पे भी ओरिजिनल मंगवाओ तो चल जाएगा, पर मेरा कहना यह है जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी करा के लेके जानी है। और आपकी जो भी इंक्वायरी बची हो अब वो आप करें कमेंट, मैंने नंबर भी दे रखे हैं, इमरजेंसी में आप कॉल करें अगर प्रॉब्लम है तो। और देख सही ये बात है, अब जानकारी आपको मिल गई, मैं वीडियो उनके भी बनाऊँगा, चिनअप्स के, पुशअप्स के, देख हाँ पुशअप्स की बोल देता हूँ, पुशअप्स अगर आपकी 30 से नीचे एज है तो आपकी पुशअप्स आपको नहीं लगवाई जाएगी, ठीक है। अगर आप 30 से नीचे वाले हो तो आपकी पुशअप्स आपको नहीं लगवाई जाएगी,
तो ये तो आपको ध्यान रखना है। और आप कमेंट करें, मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और देख दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि मेरा टाइम जा रहा है, मैं कॉल तुम्हारे अटेंड करता हूँ, कल से मेरे पास 50 कॉल आ गए, मैसेज सबके कमेंट हैं जो यूट्यूब पे, सबके रिप्लाई में देता हूँ। आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, शेयर भी आप कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, आप लाइक भी कर दोगे ना तो आपको कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं इनके इन भाई लोगों के लिए जो भी कुछ करता हूँ तो ये मुझे उसका कुछ इनपुट देते हैं, समझ रहे हो ना। तो आप सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाना, और ये वीडियो को अपने दोस्त को जा रहा हो उसको बताना ज़रूर कि भाई ये चीज़ चाहिए। कमेंट करो, डॉक्यूमेंट्स का अलग बना दूंगा वीडियो, कल फिजिकल के मेरे पहले डल रहे हैं हालांकि, पर मैं कल नया बिल्कुल, जो उन्होंने जो गलती की है कि ये गलती नहीं करनी वो करनी है, वो एक एक आपको कल के वीडियो में मैं मॉर्निंग में बता दूंगा। ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, कल मॉर्निंग में जब मैं पार्क में जाऊँगा तो आपको पार्क में क्या है, चिनअप्स के ये चीज़ें मिल जाती है, मेरे घर पे ये चीज़ें नहीं है, रियलिटी ये है, नहीं मैं यहाँ भी बता देता आपको। तो मैं अभी वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा, आपसे यही कहना चाहूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपना भाई का ही चैनल है, और इससे कोई और वीडियो नहीं डलेगी। मैं जितने फिजिकल करता हूँ, वैसे आपको एक खुशखबरी मैं बाद में दूंगा, और मेरा कंप्लीट हो गया था, एक खुशखबरी आपके लिए है, वो इम्पोर्टेंट है, आप कुछ लोग अगर मेरे जानने वाले हैं तो वो समझ जाएंगे, पर फिर भी आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम तक की वीडियो मैं इसमें लगाऊंगा कि आपको पढ़ना भी कैसे, कहां से पढ़ना है, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोनों के सेम है, फिर भी मैं इसके लिए कल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल बना दूंगा, हालांकि कुछ नहीं चेंज है दोनों में, सिर्फ रनिंग का चेंज है, उसमें 100 मीटर की रनिंग है और इसमें 1600 मीटर की रनिंग थी, ये चेंज है, फिर भी एक वीडियो मैं उसके लिए स्पेशल बना दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड वाले वाले भाई बहुत है, उनके ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, पर और सारी चीज़ें सेम है, ग्राउंड सेम है, सबका सेम है, जगह सेम है, और वंदे मातरम, जय हिंद, और सभी अपना ख्याल रखें कोविड में, और अपनी तैयारी मजबूत रखें, हार नहीं माननी। तुम्हारे भाई की 7 मिनट में रनिंग आती थी पर गया था, और वहाँ 6-10 में की थी, तुम भी कर सकते हो, मरता कोई नहीं है, कोई नहीं मरता भागने दौड़ने से, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम।